नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आप सर्दी के मौसम में, जी हाँ खासकर सर्दी के मौसम में, आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी सप्लीमेंटेशन के, केवल देसी डाइट से, देसी नुस्खों से। अब वो कौन सी डाइट है, किस तरीके से आपको लेनी है, सुबह क्या लेना है, दोपहर को क्या लेना है, या किस वक्त आपको क्या लेना है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसका रिजल्ट आपको खुद में खुद विजिबल होगा और आपको खुद फील होगा। असल में जब भी अगर हम बात करते हैं लो स्पर्म काउंट की, निल स्पर्म काउंट की, या अगर हम बात करते हैं कि जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी लो है, उसको कैसे इम्प्रूव करें, इन सभी चीज़ों से पहले आपको एक चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि ये जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है, जो फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी में, ये कैसे बनती है। असल में हमारी बॉडी में जो भी हम खाते हैं उसके न्यूट्रिशन को, हमारी बॉडी को मिलने के 7 स्टेजेस होते हैं। इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो एक ट्रक का काम कर रहा है, तो ट्रक सामान भर के लेके जाता है और वो अलग अलग फैक्ट्रीज तक पहुँचाता है। तो ये 7 स्टेजेस की फैक्ट्री है या 7 फैक्ट्रीज हैं, जो सबसे आखिरी फैक्ट्री है, जो सबसे आखिरी पॉइंट है, वहाँ पे जाके जो न्यूट्रिशन बचता है वो मिलता है हमारे टेस्टिकल्स को। ये पूरी साइकिल कैसे चलती है आप इसे समझिए। हमने कुछ भी खाया, उससे जो भी हमें न्यूट्रिशन मिला वो हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग हिस्सों को जाता है, जिससे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट अलग अलग काम अपने कर रहे होते हैं। लेकिन जो सबसे एंड का कार्टून, या ये कहा जाए जो सबसे एंड का प्रोडक्ट पहुँचाना होता है ट्रक को, यानी हमारे ब्लड को हमारी बॉडी में, वो पहुँचाया जाता है टेस्टीज तक। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। और वो जो न्यूट्रिशन पहुंचाया जाता है उससे होती है प्रोडक्शन या फॉर्मेशन किसकी? हमारे स्पर्म की। इन शॉर्ट आपको एक बात समझ आ गई कि जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है उसका सबसे एंड वाला पार्ट मिल रहा है किसको? हमारे टेस्टीज को। और अगर किसी भी व्यक्ति के डाइजेशन में प्रॉब्लम है, यानी अगर उसको कोलाइटिस की या उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है, उसका पेट खराब रहता है, उसका डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो 7वें लेवल तक जाते जाते बिल्कुल ना के बराबर रह जाती है, जिसकी वजह से जो लो स्पर्म काउंट की दिक्कत है या बैड स्पर्म काउंट की जो दिक्कत है या लो क्वालिटी की जो दिक्कत है वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर आपको ये समस्या है, यानी आपके पेट की कोई समस्या है, डाइजेशन, कोलाइटिस या कॉन्स्टिपेशन, तो सबसे पहले आप इसके ऊपर वर्क करें, क्योंकि जब डाइजेशन अच्छा होगा तो आपकी बॉडी को पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, राइट। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आप अपनी इस समस्या पर काबू कर चुके हैं, या अगर इसके बाद की बात करें तो किस तरीके से आप इस सर्दी, स्पेशली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सर्दी में, कैसे आप अपना स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं। देखिए, सर्दियों में क्या होता है, हमें पसीने कम आते हैं, अरे ये तो कॉमन बात है, लेकिन इसके अलावा जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं कि जो भी हम खाते हैं उसका डाइजेशन अच्छा होता है और बॉडी को न्यूट्रिशन वैल्यू भरपूर मिलती है, क्योंकि गर्मियों में जनरली हम खा पूरा नहीं पाते, प्रॉपर नहीं खा पाते, ज़्यादातर हम लिक्विड पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को गर्मियों में मिलता है वो बहुत कम होता है कंपैरेटिव सर्दियों के। और सर्दियों में जो हमारी डाइट होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स मार्केट में बहुत सारी आई हुई होती हैं, साथ में हम ड्राई फ्रूट्स भी काफ़ी सारे खाते हैं, तो जितना भी हम कंज्यूम करते हैं फूड प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स, वो सब क्या होती है, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। और इन सब से जो न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है वो हमारे 7 स्टेज पे बहुत ही अच्छे अमाउंट पे जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्पर्म प्रोडक्शन है, जो स्पर्म काउंट है, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस सर्दी के मौसम में अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने हैं। किस तरीके के चेंजेस करने हैं? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके ब्रेकफास्ट की, तो आप अपने ब्रेकफास्ट में कोशिश करें कि ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। ड्राई फ्रूट्स आप भिगोए हुए भी खा सकते हैं सर्दियों में, कोई दिक्कत नहीं है। और इवन सर्दियों का बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको उसको रात को भिगोने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सुबह उसे खा सकते हैं। किसके साथ खाएंगे? दूध के साथ खाइए, उसमें आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सेम एज अगर हम दोपहर की बात करते हैं, तो आप जो भी खाना खा रहे हैं आप वो खाने के साथ साथ, कई बार हम क्या करते हैं दोपहर को थोड़ा सा लड्डू ले लेते हैं, वो जो घर में घी वाले पिन्नी वाले जो लड्डू बन रहे हैं उसमें अगेन न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है। जितना भी आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं उसमें अगर आप सैलड की अमाउंट को हाई रखते हैं,
अगेन वहाँ से आपको न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है। साथ ही साथ अगर आप नॉनवेज डाइट को लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो उससे भी जो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी उसका अमाउंट काफ़ी हाई होगा। इसीलिए आप सर्दी में बड़े आसान तरीके से अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं बिना किसी सप्लीमेंटेशन के। क्योंकि आप दो मिनट के लिए सोचिए कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर्स जो आपको दवाएँ देते हैं, वो दवा एक्चुअली है क्या? वो सप्लीमेंटेशन है। वो आपको जिंक के टैबलेट्स देते हैं, वो आपको प्रोटीन के डेरिवेटिव्स देते हैं, वो आपको पोटेशियम के जो है मेडिसिंस देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हम नेचुरल डाइट से नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। आप बनाना खाइए, हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम उसके अंदर होता है, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन एग्स के अंदर होता है। एग्स आप सर्दियों में जनरली ऐसा देखा जाता है कि लोग कंज्यूम करते हैं। तो आप ब्रेकफास्ट में ड्राई फ्रूट्स के बाद सेकंड ऑप्शन आता है, एग्स को ले सकते हैं। वो चाहे आप बॉईल खा लीजिए, चाहे आप ऑमलेट खा लीजिए, वो आपकी प्रेफरेंस है, जैसा भी आपको अच्छा लगे। बट एग जो है हमारा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। मॉर्निंग और इवनिंग दो दो करके भी लेंगे तो भी आप अच्छा अमाउंट प्रोटीन का कंज्यूम करेंगे, जिससे आपको अपने स्पर्म क्वालिटी में और क्वांटिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको समझ आया होगा कि इस सर्दी आप किस तरीके से अपना जो स्पर्म काउंट है वो बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वालिटी किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्यों ये सिर्फ सर्दी में ही इतनी आसानी से पॉसिबल होता है बिना किसी मेडिसिन के। क्योंकि जो चीज़ आप मेडिसिन से ले रहे हैं, जो चीज़ आप सप्लीमेंटेशन से ले रहे हैं, वो नेचुरल डाइट से लेना शुरू कर दीजिए, और सर्दियों में ये बड़े आराम से पॉसिबल हो पाता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे ज़रूर करें। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने के ज़्यादा चाहूँगा, मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।